हर्ष भवन में दूसरी मंजिल पर एक बैंक में आग लगी है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है, ओबीसी बैंक है हर्ष भवन, जो कि कनॉट प्लेस में बिल्डिंग है। ये देखिए हर्ष भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी मंजिल पर ओबीसी बैंक में आग लगी है, दमकल कर्मी वहां पर पहुंच गए हैं, आग को बुझाने की कोशिशें इस वक्त जारी है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट फ्लोर के सारे शीशे तोड़े थे इधर के, कि किसी को परेशानी ना हो। फिर सबको यहाँ से निकालने का, वो खिड़की तोड़ी थी वहाँ से, वो जाली दिख रही आपकी लोहे की, वो सारी तोड़ रखी है जी। तो इसलिए सबको एक एक करके बाहर निकाला, फिर इसी सबको निकाल के सारे सुरक्षित है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के। बाकी चार पांच जो फोर्थ फ्लोर के जो घायल हुए ना, वो हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। फोर्थ फ्लोर वाले कितने लोग हैं? सर पांच लोग हैं, जिसमें चार लड़कियां कुछ है, उनमें जैसे एक लड़का है जिसमें। जब आग लगी तब कितने लोग अंदर थे? तो काफी लोग, पूरा स्टाफ अंदर था, बस धुआं निकला था। पहले फर्स्ट फ्लोर से हमारे धुआं निकला लिफ्ट के उधर से, एक बिजली डिपार्टमेंट है वहां से धुआं निकला। हेलो, वो धुआं पहले, फिर सारी लाइटें बंद कर दी। हेलो, फिर जैसे ही थोड़ा सा धुआं निकला, सब थोड़े से बाहर निकला, इतने में अचानक ज्यादा फैल गया। हेलो, इसलिए आग ऊपर से नीचे तक फैलती चली गई, इसलिए सारे शीशे तोड़ने पड़े, तब जाके निकाला बाहर। हेलो, सारे जीने से आपको विरोध? हर्ष भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोहित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, चश्मदीप बता रहे हैं कि बैंक फंक्शनल था, कामकाज चल रहा था, लोगों को निकाला गया जैसे ही आग लगने की खबर मिली। इस वक्त क्या जानकारी है, क्या सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? कितनी भीषण ये आग है? करीब 11:40 पर आग लगी थी, उसके बाद तुरंत ही दमकल की जो गाड़ियां वो पहुंचनी शुरू हो गई। दमकल अधिकारियों ने वहां जितने कर्मचारी पहुंचे जल्द से जल्द वहां पे जो लोग थे उनको निकाले, कि हर भवन के अंदर करीबन जो है काफी मात्रा में लोग काम करते हैं, कई ऑफिस वहां पे है। ये आग जो है फर्स्ट फ्लोर की लिफ्ट के पास लगनी शुरू हुई थी, धीरे धीरे इस आग ने जो है सेकंड फ्लोर का अपनी जो है लपेट में ले लिया है। इस समय ओबीसी बैंक का बता रहे हैं कि वो उसमें काफी भीषण आग लगी है, करीब 15 गाड़ी जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। कुछ लोग घायल हुए जिनको पास के आरएमएल अस्पताल में ले जाया गया, जहां बताया जा रहा है कि जिसमें तीन लड़कियां हैं और दो लड़कों को इसमें वहां पर ले जाया गया, लेकिन जितने भी वहां कर्मचारी हैं उनको वहां भी जो है सुरक्षित तौर पर बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो फायर अधिकारी है मौके पहुंच गए हैं और पूरे जो आग है उसको काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हम दिल्ली के कनॉट प्लेस की हर्ष भवन की तस्वीरें देख रहे हैं। दूसरी मंजिल पर ओबीसी के बैंक में आग लगी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कि पहली मंजिल में लिफ्ट के नजदीक से धुआं निकलना शुरू हुआ, उसके बाद जैसे ही आग की खबर पहुंची दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे, जो लोग बैंक के अंदर काम कर रहे थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें शुरू हुई। पांच लोगों को चोटें आई हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। ऊपर से भाग के आए हैं, तो बुरी हालत हो रही है सर। साथ ही कितने लोग अभी अंदर होंगे? सर अभी अंदर होंगे 10-15 लोग पर, फोर्थ फ्लोर पे। हाँ जी, हाँ जी। कितनी बड़ी आग है सर? आग तो काफी बड़ी थी, यहाँ स्टाफ ने बुझाई है, काफी लोगों ने मिलकर। फायर ब्रिगेड केम एंड दे वर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। 11:30 आग लगी, हमने स्मोक देखा था यहाँ से बाहर आते हुए, फिर हमने देखा वहाँ से खिड़कियों से लोग जा रहे थे, वो साथ वाली बिल्डिंग में निकल रहे थे, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, शीशे वगैरह तोड़े, लोगों को बाहर निकाला और तब से स्मोक निकल रहा है। हमने तो अपने सामने कुछ 20-25 लोगों को निकलते हुए देखा है, आधे खिड़की से निकले, आधे फायर ब्रिगेड वगैरह ने निकाले हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जितने भी अंदर सब इवैक्यूएट कर दी है इन्होंने बिल्डिंग, और अंदर अब फायर ब्रिगेड जाके शायद वो पानी वगैरह डाल रहे हैं। तो चश्मदीर बता रहे हैं, उन्होंने देखा लोग खिड़कियों से निकलकर दूसरी बिल्डिंग की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल चश्मदीदों का कहना है कि जितने लोग अंदर फंसे थे सभी को निकाल लिया गया है। आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त कनॉट प्लेस के हर्ष भवन में चल रही हैं। छोटे से ब्रेक के लिए